हेलो स्टूडेंट, आज करते हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उसका निकालना है इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। कितने रेशियोज हैं टोटल? 6 रेशियोज, 6 में से एक तो सीकेंट है, यानी कितने का निकालना है? 5 का। लिख लेते हैं पहले रेशियोज कौन कौन से हैं। एक है साइन ए, ठीक है, मैंने क्या कहा था, पहले जो जो है निकालने हैं उसका लिख लेते हैं। साइन ए, उसके बाद कॉस ए, उसके बाद टेन ए, उसके बाद कोसिकेंट ए, उसके बाद कॉट ए, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे कॉट ए। नाउ इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए, तो सीकेंट ए यहाँ लिख देते हैं, सीकेंट ए। अब देखते हैं कि सीकेंट ए का रेसिप्रोकल रिलेशन किससे है, यानी सीकेंट ए का उल्टा क्या है, कॉस ए होता है, तो कॉस ए का तो मिल गया हमें 1/sec a, ठीक है, एक मिल गया आंसर, खत्म इसका। अब देखते हैं कॉस ए का रिलेशन किससे है, कॉस ए का साइन ए से रिलेशन होता है, कौन सा वाला, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी थी। तो साइन की वैल्यू इसमें से निकाल देंगे, कैसे आएगी, साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि कॉस वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, फिर दोनों का रूट लगाएंगे तो साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अंडर रूट। और कॉस ए की वैल्यू हमने निकाली अभी कितनी, 1/sec है, यहाँ वैल्यू डाल देंगे 1 - 1/sec² अंडर रूट। ऐसे मिलेंगे तो क्या आएगा, सीकेंट स्क्वायर ए, ऊपर आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, साइन की, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर ए, यहाँ सीकेंट स्क्वायर ए अंडर रूट है, ठीक है, तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो सीकेंट ए आ जाएगा, और यहाँ ऊपर अंडर रूट आएगा, ठीक है, ये हो गया साइन की वैल्यू। अब देखना है इन दोनों रिलेशन किससे है, टेन का क्या होता है फॉर्मूला, टेन का होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, तो दोनों की वैल्यू पुट कर दो, साइन ए की कितनी है, साइन ए की है सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट, ये निकाला अभी, अपॉन सीकेंट ए, अपॉन कॉस की वैल्यू है 1 अपॉन सीकेंट ए, इसको कैसे लिखते हैं हम, इसको लिखते हैं हम सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट अपॉन सीकेंट ए इंटू, ये ऊपर जाता है सीकेंट ए, ये और नीचे आएगा तो सेकंड सेकंड कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड स्क्वायर ए माइनस 1 का अंडर रूट, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, 10 ए की, ठीक है, साइन आ गया, कॉस आ गया, 10 आ गया। अब कोसेकेंट ए, कोसेकेंट ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेकेंट का रेसिप्रोकल होता है साइन ए, और साइन ए इसकी जगह लिखते हैं 1/sin a, साइन ए, और साइन ए की वैल्यू उल्टा कर देंगे, क्योंकि 1/sin a है, साइन ए का उल्टा, तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे, सेकंड ए अपॉन सेकंड स्क्वायर ए माइनस 1 का अंडर रूट, ठीक है, ये आ जाएगा किसका, कोसेकेंट का। नाउ कॉट ए, कॉट ए किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन ए का, तो टेन ए का जो आया उसको उल्टा कर दो, क्या आया है, सेकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 का अंडर रूट, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/sec² - 1 का अंडर रूट, ठीक है, सिंपल है। इसमें क्या करना है आपको, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो जिस टर्म में लाना है उसको यहाँ लिख दिया, और जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको लेफ्ट में लिख दिया, फिर देखना है इसका रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन किससे है, तो पहले इसको सॉल्व किया फिर इसका देखना है उसका रिलेशन किससे है, ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, क्वेश्चन 3 है एवोल्यूट, फर्स्ट पार्ट साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इससे पहले 8.3 क्वेश्चन जो एक्सरसाइज की थी हमने, उसमें क्या किया था हमने फॉर्मूला सीखे थे कि साइन 90 डिग्री माइनस, इस टाइप का किया था ना, साइन 90 माइनस ए, तो इसमें देखते थे 90 में चेंज होता है तो साइन का क्या होता था, कॉस ए, तो ये वाला लगेगा इसमें फॉर्मूला, ठीक है, तो क्या करना है इसमें, फॉर्मूला हमें अभी आइडेंटिटी कौन सी पड़ी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो ये वाला आइडेंटिटी इसमें लगेगी, बनानी है हमें, तो एक साइन स्क्वायर है एक साइन स्क्वायर है, यानी एक साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर बनाना पड़ेगा हमें, तो उनमें से किसी एक को चेंज कर लो, तो फर्स्ट है साइन स्क्वायर 63 डिग्री, ठीक है, प्लस इसको चेंज कर सकते हैं हम, और दोनों का सम 90 होगा, इन दोनों का सम 90 होगा, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर 27, कैसे आएगा, 90 माइनस 63, ठीक है, जैसे उसमें किया था हमने, सेम नीचे करना है, दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो, इसको कर लेते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 डिग्री, क्योंकि 90 में 73 माइनस करेंगे तो 79 आएगा, प्लस इसको सेम लिखते हैं कॉस स्क्वायर 73, साइन स्क्वायर सेम ऐसे ही आएगा, साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस 90 में चेंज होता है तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एंगल 63 डिग्री, ठीक है, ये गलती से मैंने 63 लिख दिया, 63 है, ठीक
ठीक है, तो ये भी 63 आ गया, एंगल सेम होंगे, ठीक है, अपॉन में 90 में चेंज होता है, 90 में चेंज होगा तो कॉस का क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, एंगल क्या है 73, ये नीचे का मैंने ऊपर लिख दिया था, और यहाँ क्या है कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 क्या होगा, वैल्यू इसकी 1, और साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73 क्या होगा, वैल्यू इसकी 1, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 1, क्योंकि फॉर्म हमारे पास आइडेंटिटी है, टेन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये हम रीजन में लिखेंगे बिकॉज, ठीक है, यहाँ पे रीजन में लिखेंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। सेकंड पार्ट में क्या करना है, इसमें आइडेंटिटी बनेगी, कैसे बनेगी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, कुछ ऐसी आइडेंटिटी बनेगी, कैसे बनेगी, साइन है दूसरा भी साइन बनाना है हमें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर हो जाएगा, कॉस है दूसरा भी कॉस बनाना है तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर है, तो उसकी आइडेंटिटी लगा देंगे, तो चेंज किसको करते हैं, पहले हम चेंज करेंगे इस वाले को, क्या हो जाएगा साइन 25 डिग्री, तो कॉस लिखते हैं क्या लिखेंगे 90 में क्या माइनस करेंगे 65 आ जाए 25, ठीक है, प्लस ये वाला, तो इसको लिखेंगे कॉस 25 डिग्री, और यहाँ पे आ जाएगा साइन में क्या माइनस करेंगे 90 माइनस 25, ठीक है, तो साइन ऐसे आएगा साइन 25 डिग्री ऐसे लिखेंगे, 90 में चेंज होता है, कॉस का क्या हो जाएगा साइन एंगल 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री ऐसे रहेगा, 90 में चेंज होता है, साइन का हो जाएगा कॉस, एंगल क्या है 25 डिग्री, नाउ साइन साइन सेम है, एंगल सेम है, तो उसको लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस कॉस, एंगल सेम, कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, और एंगल सेम है स्क्वायर में है तो वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी 1, ठीक है, रीजन जरूर लिख देना बिकॉज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3।